होंगे। तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है लास्ट के डेज में 18 to 22 जुलाई तक अनलॉक 20, यानी कि आपको क्या है इसमें 20% ऑफ मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंडी कैटेगरी के। आपको यूज करना है मयंक सर कोड और आपको अनलॉक 20 में 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपने यूज नहीं किया आप अनलॉक 20 कोड यूज करिए और एनडीए के सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ पाइए तो आपको यहां पे 20% ऑफ मिल जाएगा। जय बच्चों, मैं मोहित शर्मा, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम बुखार आ रहा है मुझको, लेकिन फिर भी आपका पेपर होने की वजह से मैं आया हूं ताकि आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे, जल्दी फटाफट सभी लोग आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट, फटाफट सभी लोग जल्दी से शेयर करिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन कट गया है, कोई बात नहीं, देख लो। देखो आज का जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल बेटा सेकंड शिफ्ट वाला रहेगा, सेकंड शिफ्ट मतलब थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा आज के पेपर का, आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, ये मान के चलिए आप। देखिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर, आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस मिलाने पे एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, बात मैंने आपको बताई थी। और एन टाइप अर्धचालकों में जो चालकता होती है, जो चालकता होती है वो बेटा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा है? और अगर इसी में मैं बोरॉन और एल्युमिनियम मिला देता तो बेटा क्या होती, चालकता घट जाती क्योंकि ये पी टाइप बन जाता। ठीक है, तो यहां लिखा है वैद्युत चालकता क्या होगी आर्सेनिक मिलाने पे, तो आंसर बेटा बी नंबर बढ़ जाएगी, आंसर क्या होगा बी नंबर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मोस्टली क्वेश्चन, मोस्टली बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं बराबर, देखिए लास्ट समय आ रहा है, लोग बहुत सी चीजें आपको करवाएंगे, ऐसा मतलब कि आपको बस जैसे सपोज एंड मान लो मैं ही अभी कल आ जाऊं 5000 क्वेश्चन लेके, मेरे लिए आसान है, मैं सुबह से शाम तक 5000 क्वेश्चन आपको करा सकता हूं, लेकिन क्या वो 5000 क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे इतने कम समय में, नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने। तो दिमाग से काम करिए, फिजिक्स अगर आपको पास होना है तो कहीं कुछ नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई एराथन मैराथन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी दो क्लास, एक जो फुल लूसेंट पिछली साल करवाई मैंने अभी आपको मिल जाएगी यहीं पर, और साथ ही साथ में मैंने अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले मैंने मैराथन करवाई है, वो 4-4 घंटे की मैराथन अगर आपने देख ली करीब 8 घंटे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, और रणभूमि जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं वो उसको कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं, उससे भी क्वेश्चन बेटा पूरे पूरे फंसे थे पिछली बार। ठीक है, चले स्टार्ट करा जाए, देखो 2 सेकेंड। हाँ, देखो अब लिखा है यहां पर एल्युमिनियम से बेटा क्या होता है ना, एल्युमिनियम से बच्चा वो बन जाएगा एन टाइप, सॉरी पी टाइप, पी टाइप बोरॉन और एल्युमिनियम। तो परमाणु बम का विस्फोट निम्न कारण से होता है, देखिए भाई परमाणु बम के लिए दो चीज चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दो चीज चाहिए, और अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप ये काम कर सकते हैं, परमाणु बम को फाड़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली उसको हाई टेम्परेचर मतलब नाभिकीय संलयन, लेकिन होता दोनों, अगर दोनों नहीं होंगे यानी नाभिकीय संलयन और विखंडन, नाभिकीय संलयन और विखंडन यानी फिजन और फ्यूजन,
दोनों ही होते हैं इसमें, ये बात मैं बता चुका हूं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे कम आवृत्ति आपको कब मिलेगी। ये देखिए, ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है इसको सॉल्व आउट करना, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत आता है और क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिजिट चेंज नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन जो लेंथी है लेकिन आने की संभावना है, तो बेटा क्या करेंगे आप उसको याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप बेटा उसको, क्या करेंगे बच्चा आप उसको याद कर लेंगे। क्लियर हो रहा? चलिए, उस हिसाब से बेटा शेयर हो नहीं पा रहा, ठीक है। मैं फीवर होते हुए भी आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आंसर बेटा इसका होगा बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ये आप याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डिजिट कभी चेंज नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि सॉरी, ये वाला क्वेश्चन इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है, इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं क्या होंगी, मैक्सिमम और मिनिमम पर क्या क्या तीव्रताएं रह सकती है, क्या क्या इंटेंसिटी रह सकती है, देखेंगे। इनके दो अलग फॉर्मूले हैं, और उच्चिष्ट मैक्सिमम के लिए आई मैक्स बराबर रूट आई वन प्लस रूट आई टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल ऑफ स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आई मिनिमम बराबर अंडर रूट के अंदर आई वन माइनस आई टू का होल ऑफ स्क्वायर, क्या अंडर रूट के अंदर आई वन माइनस आई टू का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चा ध्यान से बात समझना, रू आई को लिख सकते हैं बेटा रूट आई, और फोर आई को लिख सकते हैं टू रूट आई, ठीक है। मेरे पास ये दो चीज मिल गई, ये आई वन का काम करेगा, ये आई टू का काम करेगा। अब मुझे क्या करना है, एक तरफ इनका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो रूट आई का स्क्वायर करोगे तो आई बन जाएगा, और रूट टू आई का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि अच्छा अच्छा वो बाहर निकल गया, ठीक है, ठीक ठीक ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको सीधे सीधे रखना है, ठीक है, टू रूट आई। तो अगर बेटा इसको एड आप कर देंगे देन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे नौ आई बाहर आएगा। बताइए नौ आई किसमें है, इसमें। क्लियर हो रहा है? सी नंबर आंसर आपका राइट है। चलिए नॉर्मल सोल्यूशन है ये बेटा, एक नॉर्मल सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या लिखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंपित वैद्युत और चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं। अच्छा एक बात समझिए, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं। कम ऑन, क्या होता है कॉन्सेप्ट उसका, कि अगर आप कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद बन जाएगा। क्लियर? तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक, तो यहां इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव जाएगी जिसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आंसर होगा परस्पर लंबवत दिशा परंतु समान कला, सेम फेज में। व्हाट इज अ फेज, फेज इज द आप बोल सकते हो लाइव लोकेशन ऑफ द वेव, मतलब उस किस टाइम पे वेव कहां है, कैसे है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये उसका फेज बताता है। जैसे किसी सिलेक्शन में होता है ना फेज वन, फेज वन का मतलब क्या है, फेज वन का मतलब है यू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम, बट फेज टू का मतलब है यू क्लियर द फेज फर्स्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर सेकेंड स्टेज। क्लियर हो रहा है? ऐसे करके क्लियर हो रहा? तो सी नंबर इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहां गया भाई, किधर जा रहा है ये, हाँ ये वाला देखो, चलो बताओ आंसर। बताओ आंसर इसका,
बताओ इसका आंसर क्या लिखा है। मानव नेत्र का फोकस करते हैं, बताइए किस वजह से। आंसर होगा सी, नेत्र ताल के धरातल की वक्रता में परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, मानव नेत्र फोकस कर पाता है। ठीक है, इसमें हमने समंजन क्षमता भी सुना होगा, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि जो समंजन क्षमता होती है किसी भी स्वस्थ आंख की या स्वस्थ मनुष्य की, जो बिल्कुल फिट होगा, वो कितनी होगी। ऑप्शन एक डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन दो डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन तीन डायोप्टर, चौथा ऑप्शन चार डायोप्टर। हमें लग रहा है बुखार में ज्यादा जोश से बढ़ा रहे हैं, क्यों? चलो देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है एक टेस्ला बराबर कितना। मैंने इसको याद करवा रखा है ऑफलाइन वाले बच्चों को, कैसे कि एक तसले में कितना घोष आ सकता है, 10^4 घोष। थोड़ा नॉन वेजिटेरियन टाइप कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप याद करना पड़ेगा आपको। एक तसले में कितना घोष, 10^4 घोष। घोष नहीं है वो गॉस है, और गॉस बराबर कितना हो जाएगा, कितने टेस्ला, 10^-4 टेस्ला। लिखा हुआ है एक टेस्ला बराबर कितना, तो एक टेस्ला बराबर 10^4 गॉस। देखो रणभूमि का भी है ये, कुछ टीचर बेवकूफ बना रहे हैं, पेपर टफ आएगा, प्लीज आप कुछ बता दो। देखो जो टीचर का काम है वो डराना है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई मदारी खेल दिखाता है तो पहले क्या करता है, इंटरेस्ट जगाता है। पहले क्या करता है, इंटरेस्ट जगाएगा, पहले डमरू घुमाएगा, नहीं फिर डमरू घुमा के क्या करेगा, भीड़, जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी फिर उसके बाद क्या करेगा, बंदर को बुलाएगा, फिर थोड़ा बंदर घुमा के दिखाएगा, फिर बंदरिया आएगी, उसको ससुराल लेने जाएगा। मतलब एक ये आपने बार बार देखा उधर, लेकिन उसकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि आप जो है भीड़ इकट्ठा होती जाती है। वैसे भी हमारे देश में अगर कहीं खुदाई हो रही है तो वहां भी आपको भीड़ पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देश का आदमी फ्री बहुत है, बात समझ रहे हो। ऐसा ये नहीं कि पूरा देश का, हम आप भी उसमें इंक्लूड है। अगर कहीं भीड़ लगी है तो आप रुक के जरूर पूछेंगे कि भीड़ क्यों लगी है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज है बेटा, तो पेपर कहीं कोई कठिन नहीं आएगा, टेंशन ना लो, बस आप अपनी पढ़ाई में फोकस करो। नेक्स्ट देखो, एक लंबी चुंबकीय सुई जिसकी लंबाई 2L है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, ध्रुव प्रावल स्मॉल M है, तो बताइए जब इसको मध्य से दो भागों में तोड़ दिया, मान लो चुंबकीय सुई है, इसको हमने ऐसे काट दिया, स्मॉल M, ये कैपिटल M है, जब हमने इसको ऐसे बीच से काट दिया तो स्मॉल M में नो चेंज और कैपिटल M हो जाएगा आधा, तो स्मॉल M एंड कैपिटल M बाई 2 आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। लिखा है वह उपकरण जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता वो कौन सा उपकरण है, तो इस बात को समझ लो बेटा कि लोग डरा रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। कल को तो ऐसे लोग कहेंगे कि हम ये लेना चाहते तो तुम लोग दे दोगे क्या, क्यों बताओ सभी लोग कमेंट में। इसलिए कोई कुछ भी मांगे आपको देना नहीं है, आपका समय मांग रहा है तो भी आपको समय नहीं देना है। वह उपकरण जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता वो बेटा टेस्ला कुंडली है, जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर, मोटर, प्रेरण कुंडली, ये सभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करते हैं, ये सभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करते हैं। सर मैं डर गया, ये तो वही वाला आजकल नहीं चल रहा रील्स में, मैं तो डर गई, नहीं तो वही वाला हो गया ना यार, ऐसा ना करूं। सर ये आईसीजी के लिए क्लास, भैया ये सब डिफेंस में जितनी चीजें आती सबके लिए। वैद्युत फ्यूज तार में क्या असंगत है, देखिए वैद्युत फ्यूज तार छोटा होगा बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है, जैसे किसी भी चीज की ताकत उसकी लंबाई पर, उसके रंग रूप पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करती है। नहीं बात समझ रहे हो, गोली जरा सी रहती है लेकिन आदमी को मार देती है, डंडा इतना बड़ा रहता है खाली सर है फाड़ पाता है, लेकिन हचक के बैठेगा तो वो भी निपटा देगा।
तो वो भी कंडीशन है उसमें कि क्या एंगल रहेगा, फिर उसमें फिजिक्स ऐड करनी पड़ती है। तो फिजिक्स तुम लोग को आती नहीं है तो तुम लोग गोली पे ही रहो वापस। तो गोली छोटी सी है उसके साइज में मत जाइए, लेकिन बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वही चीज, तो कहने का अर्थ वही है। तो फ्यूज तार की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई इसमें रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी एक सेल है अगर उसको समांतर में जोड़े चाहे श्रेणी में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। तो आंसर क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। आंसर बेटा बी नंबर लगाना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी लोग बताएंगे भाई सर कोई बुक पढ़ता है, कोई बताइए बुक लूसेंट खरीद लो अच्छी है, बाकी अपनी इंटर वाली। देखो मैं तो एक बात आपको बता दूं, मैंने 2 बार एयरफोर्स दिया और दोनों बार क्लियर हुआ है, और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं भाई शो कर चुका हूं, ठीक है, ये चीजें मैं शो कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, शायद बैंक भैया ने भी आपको दिखाया होगा, जो नए बच्चे हैं अभी उनको नहीं पता होगा। क्या तो एक बात बता दूं, मैंने सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा था, लूसेंट पढ़ता था मैं, लूसेंट तो बाद में पढ़ा जब बहुत अच्छे नंबर है। पहले तो मैं बस 12th के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो पढ़ता था, बाकी बीएससी के रेगुलर क्लासेस, तो यहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब है, देखो भाई आपको फिजिक्स आनी चाहिए, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं वो डजेंट मैटर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो वही चीज है, जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दे तो धारिता क्या हो जाती है। मैंने 1000 बार बताया कि कभी भी संधारित के बीच तुम ही क्यों ना जाके बैठ जाओ, कोई भी जाके क्यों ना बैठ जाए, उसकी धारिता उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है चाहे पानी डाल दो, चाहे तुम बैठ जाओ, बस निर्जीव वस्तु ना बैठा, ना बदलो मोबाइल डाल दो, मतलब जो वैद्युत का सुचालक हो, जिसमें वैद्युत अच्छे से चलती हो, अगर वो चीज आप उसमें डाल दोगे उसकी धारिता उतने गुना बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाए के सी नॉट आप मान सकते हो, तो क्या होगी के गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आप देख लीजिए, चले तनी हुई डोरी में जो कंपन होती है उनको किससे नापते हैं। तो बेटा तनी हुई डोरी में जो कंपन होती है उसको सोनोमीटर से नापते हैं, किससे नापते हैं बच्चा, सोनोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद वे बिंदु है जहां, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं बस एक ही समय में वो समझ जाएंगे। देखिए नाम है इसके दो, इंग्लिश में आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, लेकिन हिंदी में आप समझ पाएंगे, एंटी नोड और नोड इंग्लिश में भी समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे बताता हूं। अच्छा बताओ, एक हिंदी में लिखा है प्रस्पंद और दूसरा लिखा है निष्पंद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं एंटी नोड, क्या बोलते हैं एंटी। अच्छा बताओ, नोड मतलब नथिंग, इसमें ना आ रहा है मतलब नेगेटिविटी, तो बताओ ये पॉइंट पर नेगेटिविटी होगी या इस पॉइंट पर, तो जो नीचे है उसमें नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि नोड होंगे यहां पर और भैया जो प्रस्पंद होंगे वो यहां पर, ऐसे कोई टीचर नहीं बताता लेकिन लोग कॉपी करने लगे हैं। मैंने भंडारा चालू किया, लोगों ने भंडारा लिखना शुरू कर दिया, मैंने शुरू किया कि भैया मैं गर्दा उड़ा दूंगा ये दुनिया, आज लोग उसी को कॉपी करते, हो सकता है कॉन्सेप्ट भी कॉपी हो जाए लेकिन पहुंचेगा अंततः बच्चों के पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुझे भी बच्चों को बेचना है और कोई भी बच्चों को देगा। चलो वापस जुड़ो बेटा, ये नोड है ये एंटी नोड है, ये नोड है ये एंटी नोड है पक्का, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई। अब बोल रहा है प्रस्पंद वे बिंदु है, प्रस्पंद ये बिंदु है जहां पर, अच्छा बताओ प्रेशर कहां ज्यादा होगा, पहले तो ये लाइन बिल्कुल इक्वल थी, मैंने इस जगह प्रेस किया तो ये नीचे आ गया, यानी इस जगह पर प्रेशर ज्यादा होगा, इस जगह पर प्रेशर कम होगा, क्लियर। तो बताइए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है न्यूनतम दाब होगा प्रस्पंद पे, तो न्यूनतम दाब होगा बिल्कुल सही बात है। अब प्रस्पंद एक अच्छी चीज है, निष्पंद बुरी चीज है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एवरीथिंग मैक्सिमम होगी। प्रस्पंद मतलब अच्छी चीज, हमने जैसे एक एग्जांपल दिया, एक वो लड़का जो इलायची तक नहीं खाता, एक वो लड़का जो मसाला खाता है, तो जो मसाला खाता है वो कहां आएगा, निष्पंद में, जो इलायची तक नहीं खाता वो कहां आएगा, प्रस्पंद में। लो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया।
अब लेकिन वो ना जोड़ देना कि भैया इलायची छोड़ सब खाते हैं हम लोग। चलो वापस आओ बेटा, ये क्वेश्चन एस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया, मोस्टली मैक्सिमम टाइप, आपको आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, हमेशा मोस्टली एक्स प्लस एन प्लस एक्स वाला ही राइट आंसर होता है। एन जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, एक्स जो आपको बीट की संख्या दी गई है, यू जस्ट एड एंड गेट आंसर। तो बेटा 384 देन प्लस 6 आंसर इज 390। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर, जैसे सूरज का ताप है, इनका जो टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, क्या करेंगे? बहुत उच्च ताप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं बताओ, पायरोमीटर, थर्मामीटर, बोलोमीटर, कैलोरीमीटर, बताइए आंसर। आंसर क्या लगाएंगे इसमें, आंसर लगाएंगे आप पायरोमीटर, आंसर क्या लगाएंगे आप पायरोमीटर। एक वस्तु का ताप 140 फैरेड है, इसका ताप सेंटीग्रेड में कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, T/5 F माइनस 32/9 सॉल्व करोगे आप 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। F की वैल्यू आप 140 रख दो, C की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करो भाई ये क्वेश्चन में भाई टाइम लगेगा थोड़ा, मैं टाइम दे भी रहा हूं, करो जल्दी से, जल्दी करो इसको फटाफट। सर कानपुर सेंटर गया है, आपसे मिलना है। सर आपका दूसरा क्वेश्चन गलत है, भैया हमारे सारे क्वेश्चन गलत हैं, हम पढ़ा रहे हैं अभी कितना क्वेश्चन 19वां और तुम कह रहे हो दूसरा गलत है। चलो इसको करो, इसका आंसर करो। देखो बेटा यह 17 एक बार और बता दो, बताओ सर, बता देंगे यार, अब शांत देखो, ऐसे नहीं सर आपने क्वेश्चन किया, हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे, हम बता देंगे, नहीं समझ में आया पूछ लो दोबारा, ये नहीं सर आपने गलत बताया सर, अभी बताओ सर, अभी प्लीज सर अभी, ये गलत है हम जो सर वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया, आप मुझे समझा दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर याद बेटा, बी आंसर आ रहा है इसका, बच्चों ने सॉल्व आउट किया है, 60%। तो बेटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस का T2 अपॉन T1, और 60% है इसका मतलब 60/100 कर दिया मैंने, 1 माइनस का T2, सिंक का ताप होता है T2 तो 500 आ गया, और T1 मुझसे पूछा गया, यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो तिहाई 6, दो पंचे 10, ठीक है कोई बात नहीं, 3/5 आ गया, तो 3/5 बराबर 1 माइनस का 500/T1, ये इधर उठ के आ गया, ये इधर चला गया, 500/T1 बराबर 1 माइनस का 3/5, 5 इधर गया 2/5, और 2/5 अगर इधर गया, इधर आके गुणा हो गया 2500/2 बराबर हो गया T1। अरे ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या भाई, कुछ लफड़ा कर रहा है क्या? ओ हाँ, देखो हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, सिंक का ताप 500 केल्विन है, जब कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, गधा 50% मतलब 50/100 यानी 1/2, 1 माइनस का 500/T1। अब निकालो यहां से T1, जब यहां से T1 निकालोगे तो वही ताप इन्होंने नियत रखा, यानी T1 ही रख के, तब दक्षता 7% है, तब सिंक का ताप क्या होगा, तब T2 चाहिए नेक्स्ट वाले का। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बात समझे, ये उधर गया बेटा, ये आंसर इधर आएगा, 1/2 हो जाएगा, 500/T1 हो जाएगा बराबर 1/2, क्योंकि एक में से 1/2 घटेगा तो वही आंसर आएगा। T1 इधर गया, T1 की वैल्यू 1000 आ गई, बोलो क्लियर हुआ।
अब मुझे दिखता 60% रखते हुए, यानी 60/1000 बराबर 1 माइनस का T2 मुझे फाइंड करना है, T1 की वैल्यू 1000 दिया, इधर चला गया, इधर आ गया, T2/1000 1 माइनस का 60/1000 10010 मर गया, 100 इधर गया, चाहे वो हो ये 1000 का यार 100 रहेगा, देखो है 60% को बताओ, हम वही कहें यार गुरु ये कैसे हो रहा है, चलो कोई बात नहीं पढ़ा दो, ठीक है 100 हो गया, हाँ 100 हो गया, 100 में से 10 में से 10 मर गया, 10 बचा, 10 में से 6 गया, 4/10 बचा, 4/10 में 10 से 10 मर गया, गुणा हुआ T2 की वैल्यू 400 केल्विन आंसर आ गया, बी नंबर आंसर आ गया, बी नंबर, भारत माता की जय, भैया जय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख क्या लिखा है, दो कांच की प्लेट जो एक दूसरे के ऊपर रखी है, इस प्रकार रखी है कि उनमें थोड़ा पानी भर गया, आप देखा होगा कटोरी में कटोरी चपक जाती है तो मम्मी क्या राउंड करके निकालती, क्यों, क्योंकि उनके बीच पानी भर जाता है, और अगर उनके बीच पानी भर जाता है तो ये कारण है सिर्फ किसका, प्रस्थतनाव का, ये कारण है सिर्फ किसका, प्रस्थतनाव का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिंदी है, करिए लेकिन मैं अगर चाहो तो सूत्र बता देता हूँ, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट a²-y², विस्थापन अलग अलग दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड करिए, भैया एग्जाम सेंटर क्या क्या लेकर जाना है, आप चैनल पर लाइव आकर डाउट क्लियर कर दो, एग्जाम सेंटर भैया कुछ लेके नहीं जाना, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो लेके जाना है, और साथ ही साथ में आपको अपना एक आधार कार्ड लेके जाना है, अगर आधार कार्ड में सारी डिटेलें सेम है, इन द सेंस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, आपका पापा का नाम सही है, आपका इतना ही पूछता है डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, आपका नाम, अगर पापा के नाम और आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है तो आप 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे, ठीक है, बस इतना आपको लेके जाना है, और साथ ही साथ में अपनी दो फोटो और अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी कलर प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है, क्या क्या, कलर प्रिंट आउट, दो पेन, कलर प्रिंट आउट, दो पेन, और गोंद वोंद से वो चपका लेना वो तो कर ही लोगे, दो फोटो, क्या, कलर प्रिंट आउट, दो पेन, दो फोटो, और एक वैलिड आईडी प्रूफ, और अगर कभी डेट और ये सब में कोई प्रॉब्लम है तो 10th की मार्कशीट, क्लियर, ये आपको ले जाना है अपने एग्जाम सेंटर में, क्लियर हुआ, चल आ जाओ ध्यान से, आदित आदित ये कर, देखो तो ये कर पाए कि नहीं, ये कर पाए कि नहीं कर पाए, ये कर पाए क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ बेटा, कॉपी पेन निकाल के किया करो, अगर सिर्फ सोचो कि खाली बैठने से खाली बस तुक्का मारने से होगा तो फिर बेटा दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चल जब बेटा 10 दे रहा है तब आपका विस्थापन 4 है, यानी आप इसमें 10 रखेंगे बराबर ओमेगा अंडर रूट के अंदर a²-4² 16। दूसरी कंडीशन में जब बेटा आपको 8 दे रहा है वेग तब विस्थापन 5 है, ओमेगा बराबर अंडर रूट के अंदर a²- यहां पर हो जाएगा 5 यानी 25, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a की वैल्यू जब फाइंड आप कर लेंगे तो ओमेगा बराबर 2π/T आप वहां से निकाल के देंगे, ठीक है,
हाँ ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, पहले ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी कितनी आएगी, ठीक है ओमेगा की वैल्यू दो आएगी, ओमेगा की वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे कितनी आएगी दो, ओमेगा बराबर टू पाई बाई टी, और यहाँ पे अगर आप दो रख दोगे, अगर दो वैल्यू आ रही है दो से दो मर गया, टी बराबर बेटा क्या आ गया पाई, और हमसे वही पूछा था आंसर, ठीक है चलो। कोल्ड हो गया क्या भैया, भैया फीवर है तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोल्ड को तो मारो गोली, ठीक है सिर्फ तुम लोग के पेपर की वजह से। तो वो लिखा है आवश्यक बल क्या होगा, वाई बराबर एफ एल अपोन ए इंटू डेल्टा एल, तो y की वैल्यू दी है आपको 2.2 इंटू 10 की पावर 11 बराबर f की वैल्यू आपको दी है कितनी, f की वैल्यू फाइंड करनी भैया, ओके ये सब इधर भेजो, इसको नीचे ले आओ, तो जगह ज़्यादा चाहिए कोई बात नहीं, बराबर f इंटू में a की वैल्यू दी है क्या, दो मीटर लंबे दो वर्ग मिलीमीटर सेंट, ठीक है कोई बात नहीं, तो ए की वैल्यू दी है दो वर्ग मिलीमीटर, तो 10 की पावर माइनस 6 हो गया, ये हो गया तुम्हारा ए की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू दी है 0.5 मिलीमीटर भैया, ओके 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, अब अपॉन में कर दिया हमने, मिलीमीटर है ना माइनस 3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में एल कितना दिया है 2, ठीक है अब इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, बस काम खत्म हो गया, दो मीटर से इसको मैंने काट दिया, क्लियर हुआ यहाँ तक जी भैया। अब अगर क्लियर हो गया तुमको तो पॉइंट पॉइंट का खेल बचा है, पॉइंट हटाएंगे इधर से तो ये हो जाएगा माइनस चार, ये कितना हो जाएगा माइनस चार, ये माइनस चार माइनस छः मिलके कितना बन जाएगा माइनस दस, इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2.2 इंटू 10 की पावर 1 और साथ ही साथ में यहाँ बचेगा इंटू में 5, ओके आप इसमें जब गुणा कराएंगे तो बचेगा खाली 22, क्यों देख लो इसमें माइनस हटाओगे तो 22 इंटू 10 माइनस 1 लेकिन कट जाएगा तो 22 इंटू 5 5 दूनी 10 एक हासिल लग गया, 5 दूनी 10 एक कितना हो गया 11, ये हो गया। अब देखो एक दो दशम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 1.1 इंटू 10 की पावर 2 तो नहीं लिख सकते क्या, डी नंबर आंसर चलिए हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये तो भाई चंद्रमा का द्रव्यमान पूछा, ये तो याद होगा आपको, याद है भाई मास ऑफ मून, ये कभी चेंज नहीं होता है तो वैल्यू है, क्या होगा आंसर डी नंबर, क्या होगा आंसर डी नंबर 7.65। अब मैंने इसको ऐसे याद किया था 5, 6, 7, कैसे याद किया था 5, 6, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 22 और दशमलव आगे लगेगा बस, ठीक है ऐसे याद कर सकते हो आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, ठीक है लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे भाई देखो फॉर्मूला लगेगा R बराबर M G प्लस A, क्यों ऊपर खींच रहे इसलिए, क्या ऊपर खींच रहे ना, ओके अब जो G है ऊपर की ओर G तुरंत से खींचा जा रहा है, यानी A की वैल्यू भी किसके बराबर है G के, तो G प्लस G तो m बराबर 2g, तो बेटा क्या आ जाएगा 2mg, आंसर होगा डी नंबर। चलिए तो ये आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट, किसके कितने नंबर आए फटाफट जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है चलो ठीक है चलो ठीक है किसी कुछ पूछना, 22 नंबर बता दो मिनट रुको, 22 नंबर 13 नंबर 22 नंबर आकाश कह रहे भैया 22 नंबर नहीं आया क्या आकाश तुमको, नहीं आया 22 नंबर नहीं आया 22 ओनली, अच्छा 22 नंबर आए हैं 22 नंबर आए भैया, मैं लेट हो गया तो 5-4 राइट हो पाए बस, ओके 19-12 चलो अच्छी बात है, ठीक है अभी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि आपको सेंटर में क्या क्या लेके जाना है क्या क्या लेके नहीं जाना है, क्लियर।